नमस्कार, आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है आपके बहुत बड़े बड़े डाउट हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप सभी, क्योंकि मैं बार बार एक बार समझा कर थक गया हूँ, मतलब बहुत बार बार समझा कर थक चुका हूँ, क्योंकि आप लोग अब मुझे परेशानियों से उबरने नहीं देना चाहते हो। तो एक चीज़ मेरे दिमाग अपने दिमाग में रख लीजिए बच्चों, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना, जिंदगी को जीतना न जीना अगर आसान नहीं, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ सब्र करिए। जिन बच्चों का बैक है, मे बी DLED आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, समझ रहे हो ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिना DLED के भी आप टीचर बन सकते हो। दूसरे पहलू को अपना लो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप DLED छोड़ दो, आप लड़ो ना, आप लड़ो अपने हक के लिए, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जहाँ पे जीता नहीं जा सकता। गवर्नमेंट है, सरकार है, कब तक जीतोगे इससे? 10 साल फाइट करोगे DLED के लिए? DLED के लिए मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ब्याह नहीं करूँगा, 10 साल हो गया, माँ बाप परेशान, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कहीं नहीं पढ़ा सकता, मैं DLED ही निकालूंगा। ऐसे जिद पाल के आप कर क्या सकते हो, उखाड़ क्या सकते हो किसी का? अपना जिंदगी खराब करोगे, याद रखना। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड सो बिहेव नॉट, अपने मतलब अपने बिहेव को खराब ना करें, बस आप अपने माता पिता के प्रति नॉट मिसबिहेव, रेस्पेक्ट टू फादर एंड मदर एंड सो ऑन, चाहे हस्बैंड हो, चाहे जो हो, जो आपके अपने हैं, प्लीज। ठीक है, अब देखिए प्रत्यावेदन वाले बच्चे क्या क्या करें, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। पहले तो यह, एक सब्जेक्ट में प्रत्यावेदन वाले बच्चे अब प्रत्यावेदन देंगे या नहीं देंगे, प्रत्यावेदन अब देना कब तक दे सकते हैं बच्चा? आप लास्ट में चल रहा है मोड, 12 तारीख तक, 12 या 13 तारीख तक प्रत्यावेदन आप लोग जमा कर देंगे, जिनको देना है, लग रहा है एग्जाम हो जाएगा तो, है ना। मैं नहीं कहता एग्जाम होगा ही, मैं ये भी नहीं कहता एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि मैम के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार डायरेक्टर कोई और था, इस बार डायरेक्टर कोई और है, मिस शोभा मैम है, तो उनसे आप बात करोगे, खुल के बात करो उनसे, बताओ अपनी प्रॉब्लम कि मैम मेरा एक सब्जेक्ट में केवल बैक है, इस सब्जेक्ट के कारण, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में मेरा अगर बैक है, मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा DLED बचा लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके लिए प्लीज़ मैम, क्योंकि पिछली बार एग्जाम कराया गया था, इस बार मैं प्रत्यावेदन दे रही हूँ या अभी दे रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरा DLED मतलब खराब होने से बचा लीजिए। ठीक है, इस तरह से थोड़ी बात करेंगे, विनम्रता से बात करने हैं। अगर ना भी सुनती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार ही समझो अपनी एक, और ये हार आपको पहले सीढ़ी क्रॉस करा दी, मतलब इतना समझ लो आप बहुत कुछ अनुभव लेकर गए वहाँ से, DLED ना पाए लेकिन बहुत कुछ अनुभव मिला ना। इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलना है भाई, आप हारते नहीं हो किसी चीज़ से, आप अनुभव लेते हो, जो आपके लिए नई चीज़ें हैं वह अपने आप आपके अंदर जनरेट हो रही हैं, आप दूसरा डायरेक्शन में थोड़ा देख लो ना, समझ रहे हो ना भाई। बस इस चीज़ को थोड़े से सब्र करना और टूटना नहीं है किसी भी अभ्यर्थी को, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बच्चों इसमें सच्चाई पूरी है, है ना। तो प्लीज़ टूटना नहीं किसी बच्चों को, सब कुछ एक है, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ बुलाओगे वहाँ पे आएंगे बच्चों, हर समय आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दो सब्जेक्ट में बैक वाले बच्चे या थोड़ा सा परेशान तो है, देखिए इसके लिए एग्जाम हो सकता है, अगर आपने प्रत्यावेदन 12 तारीख तक जमा कर दिया है तो मे बी एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, मैं कह देता हूँ 70% आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि मैम ने इस बात को साफ साफ बोल दिया, जो रिटर्न एविडेंस है सिर्फ उसी के अनुसार काम होगा आपका, नहीं तो फिर आप प्रत्यावेदन जमा करिए, इसके ऊपर मैं विचार करूंगी, इतनी बातें बोलकर बस वो चीज़ें क्लोज हो गया है। अब दो सब्जेक्ट के बैक वाले बच्चे, थोड़ा सा नरक मचा हुआ है पिछली बार से ही, तो इस बार देखते हैं क्या होता है। बच्चे तो गए भी थे कोर्ट कचहरी, लेकिन वहाँ पर रोक दिया गया कुछ कॉलेज कुछ डाइट की वजह से कि मैं इस बार बात कर लिया हूँ, आपके एग्जाम होंगे। तो बच्चे प्रत्यावेदन जमा किए हैं, ये थोड़े पता था कि डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे। 2019 बैच जिनका थर्ड सेम में बैक है, क्या उनका क्या होगा? थर्ड सेम में बैक है 2019 बैच वाले, सॉरी हाँ थर्ड सेम में बैक है, और जिनका सेकंड सेम में बैक है वो अभी प्रत्यावेदन नहीं देंगे, जिनका सेकंड सेम में बैक है वो अभी प्रत्यावेदन नहीं देंगे, पहले देख लेंगे पोर्टल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, क्योंकि वैसे भी प्रत्यावेदन एक्सेप्ट नहीं होने वाले हैं। अगर पोर्टल खुल गया तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको पास करिएगा। और जिनका सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाला दोनों तीनों में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं, तो सेकंड में बैक वाले बच्चे जिनका तीन बार बैक है और थर्ड में भी एक में किसी न में किसी बैक है, तो थर्ड वाला जो बैक होगा उनका मार्च में होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का इस बार बैक नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से रूल घुसा दिए हैं इसमें, तो ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला बैक जो है मार्च में होगा, 2022 बैच वालों के साथ में होगा। और जब तक आपका
इधर फोर्थ आप क्लियर भी कर लेते हो देखकर, अगर आपका पोर्टल खुल जाता है, बाय द वे भगवान भोलेनाथ आपका पोर्टल खोल दे, अगर मतलब उनकी कृपा से खुल जाता है तो आप वह चीज़ें तो कर लोगे पास फोर्थ सेमेस्टर, और इधर आपको उसका भी वेट करना पड़ेगा जो बैक वाला है, इसका भी। अब आप उस कैटेगरी में आ जाओगे, बच्चा नरक बचा हुआ है समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी के, जिनका सेकंड में 3 बार बैक लग गया, इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सॉरी इसके लिए, अब भगवान ही मालिक है आपके लिए। लेकिन जिनका केवल थर्ड सेम में बैक है, एक सब्जेक्ट में चाहे दो सब्जेक्ट में, वो फोर्थ का एग्जाम देंगे, निश्चित रूप से देंगे, इसके लिए लिखित ले लीजिए मुझसे, निश्चित इस बार फोर्थ एग्जाम दो देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल होगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और आपके जो थर्ड सेमेस्टर में जो बैक है, आप मार्च में दे लेना, और भर्ती अभी नहीं आने वाली, आप सीटेट पे ध्यान दे दो, मस्त तरीके से निकालो, भर्ती नहीं आने वाली अभी, मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट अक्टूबर या नवंबर फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आने वाला है 2023 के। फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बैक कब होगा पेपर, तो मैं बता दिया ये मार्च में होगा 2022 बैच के साथ में होगा 2023 में। और ये एग्जाम कब तक हो जाएंगे पूरे, जो अभी आया हुआ है 13 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे डाइट के, और 12 तक भरे जाएंगे निजी संस्थान के, तो एग्जाम आपके हो सकते हैं 15 दिसंबर के आसपास में, क्योंकि मैं बता देता हूँ 13 दिसंबर भी मान 13 नवंबर मान लेता हूँ आपके फॉर्म का एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट क्लोज होगा, तो उससे एक मंथ लगभग मान के चलते हैं, तो इसके पहले पहले या फिर इस डेट से या फिर 20 ज़्यादा से ज़्यादा हद्दी अद्दा जाएगा तो 20 से। और जिनका सीटेट और डीएलएड पास में पड़ गया साथ में पड़ गया, तो अगर सीटेट का स्टार्ट हो चुका है तो डीएलएड मुश्किल है फिर से कराए वो, है ना, डीएलएड फिर और लंबा खींच जाएगा तब, बस आप अभी फॉर्म भर लो, ये चीज़ें मैं उस पर बात कर लूँगा अलग से। धन्यवाद।